आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन पिक्चर्स में सबसे बड़ा फर्क बताइए। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल है, एक तरफ एक इंसान का बच्चा है और एक तरफ एक बंदर का। बिल्कुल सही। एक्चुअली जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारी सबसे पहली पहचान एक इंसान के रूप में ही होती है, फिर एक नाम मिलता है, फिर धर्म और फिर नागरिकता। लेकिन कई बार हम समाज की इन दी गई चीज़ों से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि अपने अंदर की इंसानियत भूल जाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि प्रेम और करुणा हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, लग्जरी नहीं। इनके बिना इंसानियत जीवित नहीं रह सकती। लेकिन कुछ लोग हमारे इस अलग अलग धर्म और संप्रदाय के होने का फायदा उठाते हैं, पर हम सब ऐसे नहीं हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते मुझे काफी ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की मदद कर रहे थे। कुछ लोग राशन बांटकर, कुछ लोग मेडिकल फैसिलिटी देकर, और कुछ लोग तो फाइनेंशियली भी दूसरों की हेल्प कर रहे थे। और यकीन मानिए, इनमें से कोई भी किसी की मदद करने से पहले ना उसका नाम, ना धर्म, ना जाति पूछ रहा था। यही होता है सच्चे इंसान होने का परिचय। आइए इस इंडिपेंडेंस डे पर हम ऐसे विचारों और सोच से आजादी का संकल्प लें जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। याद रखिए कि चीजों की आने से पहले कीमत होती है और इंसानों की जाने के बाद। तो अगर आपने भी ऐसी कोई इंसानियत की कहानी सुनी या देखी है तो हमें नीचे कमेंट्स में लिखकर बताएं जरूर। अगली बार तक के लिए नमस्कार।